क्या सोच रही आप देंगे कि इसका फायदा पूरे पाकिस्तान को कौन करेगा? आप क्या फायदा देंगे कि वो आएंगे और नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्कोर 24 में आपका खुश आमदीद है। मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान अहमद। नाज़रीन, ज़ुल्फ़ी बुख़ारी ने सानिया मच के मुज़ाहरीन से मुलाकात के दौरान जो गुफ्तगू की है वो इस वक्त ज़ेरे बहस है कि ज़ुल्फ़ी बुख़ारी ने किस कदर बेहिसी का मुजाहरा किया है और किस लहजे में बात की है जो नाकाबले बर्दाश्त है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते, अगर कोई और शहीद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। वीडियो का क्लिप, शॉर्ट सा क्लिप मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया, बाकी मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान के इलाके मच में आज से 3 दिन कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें नामालूम अफराद ने 11 मजदूरों को कोयले की कान से अगवा करके पहाड़ों पर ले जाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जबकि सानिया मच के लवाहकीन और दीगर लोगों की तरफ से कोयटा के मगरबी बाईपास पर धरना चौथे रोज भी जारी है और इन मुजाहरीन से शेख रशीद, हमारे वजीर दाखिला शेख रशीद साहब भी मुलाकात करके आ चुके हैं। इनके मुजाकरात भी नाकाम रहे, जबकि वजीर आजम साहब ने अली जैदी और ज़ुल्फ़ी बुख़ारी को भेजा और उसके बाद जो ज़ुल्फ़ी बुख़ारी ने वहाँ पर मुजाहरीन से सानिया मच के लवाहकीन से जो मुलाकात के दौरान गुफ्तगू की है, मुजाकरात तो इनके भी नाकाम हुए, जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और इस पर लोग बड़े आगम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यहाँ तक आ जा रहा है, क्या सियासतदान के सीने में दिल नहीं होता? क्या सियासतदान लवाहकीन के पास खड़ी होकर ऐसी बातें करता है कि अगर मुल्क में कोई और शहीद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? दरअसल नाज़रीन, मुजाहरीन और लवाहकीन की डिमांड ये है कि मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म खान साहब खुद आएँ और यहाँ पर स्टेज पर बैठकर लोगों के सामने हमारे साथ बातचीत करें और हमारे मुतालबात जो हैं वो सुनें। ये वाक़या खैर आप ज़ुल्फ़ी बुख़ारी की ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें और ख़ुद फैसला करें। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बाक्स में ज़रूर कीजिएगा। नहीं, हम ये कहते हैं कि अगर वो आ जाए यहाँ कम से कम शहदा के लवाहिकीन को तस्लीम तो मिलेगी, सुकून तो मिलेगा। बिल्कुल इनके मुताबिक नहीं है, जिस तरह आप ले आ रहे हैं वो इससे पहले भी तो आ चुके हैं। ये शहदा के लवाहिकीन ने देखा है उस मुलाकात को, ये सब जानती है, क्वेटा के बाशिंदे यहाँ बासी हैं, ये सब उन्होंने मीडिया में देखा हुआ कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब बाकी लवाहिकीन से मिले हैं। ये उस तरह नहीं मिलना चाहते हैं उनसे, वो यहाँ इसी स्टेज पर आवाम के सामने उनके साथ मिलना चाहते हैं, ये उनका मुतालबा है। आज जिस तरह काश इतना इसरार आप लोग दफ्तरने पर कर रहे, काश अपने इदारों पे इतना इसरार करते कि क्या बना दहशत गर्दों का, क्या बना वोट डालने के हम उस तरफ हम नहीं चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम कल खुदा ना खास्ता कहीं और पाकिस्तान में कुछ होगा, वो कहेंगे हम ऐसे चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं, हमें बात रुकी नहीं। कल कोई और शहीद होगा वो कहेगा हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, बात रुकती नहीं है। और आप लोगों के पास चांस है अब सारे काम करने का, लेकिन वो भी आप इससे वो आप काम करना चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते, पिछली दफे जो है सर की